पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले से ये खबर जुड़ी है। बीजेपी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। पंजाब के फिरोजपुर में हुई पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस मुलाकात के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक से खूनी इरादे का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की भाषा पूरी तरह अनैतिक है। इसके अलावा बीजेपी नेता ब्रजमोहन का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि पंजाब की घटना से पूरा देश आक्रोशित है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास जिस प्रकार से हुआ है उसकी हमने निंदा की और उसके संबंध में चर्चा बातचीत की। इसके लिए हमने निंदा भी किया है और हमने इस विषय को लेकर महामहिम को ज्ञापन दिया है और छत्तीसगढ़ सरकार के और छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री के दीर्घायु की हम कामना करते हुए और इसमें कठोर कार्रवाई करें। और जो देखिए मांग है कि ये घटना बहुत गंभीर घटना है और राष्ट्रपति जी को इस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए और पंजाब सरकार के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री स्तर के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता जिस प्रकार से छिछली बातें कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले को लेकर जिस प्रकार से मजाकिया लहजे में बात कर रहे हैं, ये देश के संघवाद के लिए बहुत बड़ा धब्बा है।